These mushrooms are called Rugra and Boda. These are the specialities of Jharkhand and Chhattisgarh respectively. इसे पकाने से पहले हमें इन्हें अच्छे से बहुत अच्छे से धोना पड़ता है और इन्हें टू हाफ्स में कट कर लेते हैं. हमने 200 ग्राम्स मशरूम लिया और टू बिग अनियंस को भी पतला पतला स्लाइसेस में काट लिए. यह ग्रीन चिली स्लिट किए हुए आप अपने अनुसार लें. दो बे लीव्स, दो लौंग, एक बड़ी इलायची, एक छोटा दालचीनी, हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून गरम मसाला, 1/4 टी स्पून हल्दी, 1 टी स्पून रेड चिली पाउडर, 2 टी स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी 1 टी स्पून अराउंड. ये है 2 टी स्पून टमेटो प्यूरी, बहुत ही गाढ़ी. हमने पैन में 2 टी स्पून ऑयल लिया, उसे गर्म होने दिया. फिर हम इसमें अपने खड़े मसाले डालेंगे, लौंग, तेज़पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, साथ में हाफ टी स्पून ज़ीरा. इसे क्रैकल होने दें और ये ड्राई मसालों को, खड़े मसालों को ऑयल में थोड़ा पकने दें ताकि इसका अरोमा और टेस्ट इस ऑयल में आ जाए. इसे हल्के आंच में फ्राई होने दें. नेक्स्ट हमने जो ग्रीन चिली स्लिट करके रखा था हम उसे ऐड करेंगे. उसे भी इस ऑयल में अच्छे से फ्राई होने दें. और इसे हल्का हल्का टॉस करते रहें. नाउ हमने जो अनियन स्लाइस करके रखा था हम वो पैन में डालेंगे और इसे भी फ्राई होने देंगे. हम इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसमें हल्का सा गोल्डन कलर ना आ जाए. देखिए हमारा अनियन हल्का सा गोल्डन कलर दिखा रहा है. अब हम इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे. इसे भी 1 से 2 मिनट तक के फ्राई होने देंगे. ये फ्राई होने के बाद अब हम इसमें अपने पिसे मसाले डालेंगे, हल्दी, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर और इन मसालों को अच्छे से प्याज के साथ भून लेंगे. करीब 30 सेकेंड तक इसे प्याज के साथ फ्राई होने दें. अब हमने जो 2 टीस्पून बहुत ही थिक टमेटो पेस्ट लिया था हम वो डालेंगे. इसे भी प्याज के साथ मिक्स करेंगे और फ्राई करेंगे. साथ ही साथ हम इसमें नमक डाल लेंगे ताकि हमारा टमाटर जल्दी पक जाए. इसे तब तक पकाएं जब तक के टमाटर भी पक के ऑयल छोड़ने ना लग जाए. अब हमने जो मशरूम 2 हाफ्स में काट के रखा था हम उसे इसमें डालेंगे. इसे भी टमाटर प्याज के साथ हल्का सा फ्राई होने दें. मिक्स करें अच्छे से.
करीब एक गिलास पानी डालें और मशरूम्स को पानी में पकने दें, मसाले वाले पानी में थोड़ी देर। करीब 10 मिनट्स। अब हमने जो हाफ टी स्पून गरम मसाला लिया था, हम वो भी इस पैन में मशरूम्स के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। अब हम ये सारे मशरूम और ग्रेवी को एक कुकर में डाल के एक विसल के लिए पकाएंगे। एक से दो विसल के बाद देखिए हमारी मशरूम विद ग्रेवी तैयार हो गई है और ये ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी कितनी अच्छी दिख रही है। और मैंने मेरे मशरूम को कोरिएंडर से गार्निश करके सर्व कर दिया है। Please give a thumbs up to this video if you liked it and subscribe to my channel for more videos. Thank you.